दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले रूट मोबाइल के बारे में। दोस्तों, ये इंडियन क्लाउड कम्युनिकेशन में काम करती है दोस्तों, और इंडियन क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करती है कंपनी। और 2004 में ये कंपनी स्टार्ट की थी दोस्तों, और इनका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और ये कंपनी प्रेजेंस है दोस्तों 15 लोकेशन पे, ये अक्रॉस एशिया, पैसिफिक, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। देख सकते हो दोस्तों, ये एमएनसी कंपनी है, मल्टीनेशनल है दोस्तों, और ये बाहर भी जबरदस्त काम करती है दोस्तों। और इसका कम इन कंपनी का बिजनेस जबरदस्त है दोस्तों। आप देख सकते हो, ये कंपनी प्रोफाइल देखिए, ओवर द टॉप ओटीटी प्लेयर एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, एंड आवर पोर्टफोलियो कंप्राइजेस सॉल्यूशन इन मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस फिल्टरिंग, एनालिटिक्स एंड मोनेटाइजेशन। तो ये कंपनी जबरदस्त बिजनेस है दोस्तों, आप देख सकते हो, मैसेजिंग, वॉइस, ईमेल, एसएमएस, ये बिजनेस चलने वाला है दोस्तों। आपको पता ही है दोस्तों, मैसेजिंग आपको लग रहा है अभी मैसेज करना बंद कर दिया है हमने, आपने करना बंद कर दिया दोस्तों। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, फेसबुक यूज़ करते हो, मगर मैसेज आपके आपको पता ही है दोस्तों। बैंक, अभी आप एटीएम में जाओगे पैसा निकालने के बाद आपको मैसेज आता है दोस्तों, तो वो बैंक को आप भी मैसेजिंग लगता है दोस्तों। बैंक को लगता है, जो भी एडवर्टाइज करते उनको लगता है, अपने टेलीकम्युनिकेशन वालों को लगता है, तो सबको मैसेजिंग लगता है दोस्तों। तो ये मैसेजिंग का बिजनेस बंद होने वाला नहीं है दोस्तों, ये शेयर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है दोस्तों। ये फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है दोस्तों, और ये आगे मॉडिफाई करते रहेंगे अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। ये मार्केट के साथ भी इनका चेंज होता रहेगा दोस्तों। और देख सकते हैं, इनके कंपनी कैटर्स टू द बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, बीएफएसआई सेक्टर, ओवर द टॉप ओटीटी प्लेयर एंड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर। देख सकते हो, ये सभी इनके कस्टमर्स है दोस्तों, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर वाले, ओटीटी प्लेयर, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर वाले, इन सभी को ये इनका बिजनेस का प्रोडक्ट्स लगने ही वाले दोस्तों। तो ये शेयर आपको आगे जाके अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है दोस्तों। और अभी ये जबरदस्त क्रैश हो चुका है दोस्तों, टनला प्लेटफॉर्म की तरह ये भी शेयर गिर रहा है दोस्तों। और अभी हम आते कंपनी के ओवरव्यू पे। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 7,651 करोड़, इसका फेस वैल्यू 10, ये फ्यूचर में स्प्लिट बोनस दे सकता है। और ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बांटती है। और देख सकते हो, रूट मोबाइल शेयर फॉल्स एज बोर्ड अप्रूव्स बायबैक, इन्होंने बायबैक लाया है फिर भी शेयर गिर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए दोस्तों, कंपनी का प्रमोटर है 59.82%, 60% के आसपास प्रमोटर है, एफआईआई है 19.94, 20% एफआईआई है, 7% डीआईआई है, और पब्लिक देखिए 13% पब्लिक है। पब्लिक ने भी अच्छा माल उठा रखा है दोस्तों, एफआईआई ने जबरदस्त खरीदारी की है दोस्तों, 20% एफआईआई है। और देख सकते हो, प्रमोटर दोस्तों अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं दोस्तों, 65 से इन्होंने 59 तक लेके आया अपनी शेयर होल्डिंग। और एफआईआई देखिए कंटिन्यूअसली बढ़ा रही दोस्तों, 15 से 20 कर दी इन्होंने, 5% बढ़ा दिए, प्रमोटर ने 5% कम कर दी दोस्तों। और डीआईएस देखिए 7% तक जा चुके हैं डीआईएस भी, और पब्लिक तो उतनी ही है दोस्तों। और कॉम्पिटिटर्स देखिए दोस्तों, रूट मोबाइल के टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएलटेक, विप्रो, ये सभी बड़ी कंपनी है, इसके कॉम्पिटिटर है दोस्तों। और ये शेयर आपको आगे जाके वेल्थ बना के दे सकता है दोस्तों। अभी इस क्रैश का फायदा उठाइए और इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है कंपनी का। और नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बट डिक्लाइन हो रहा है मगर नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है दोस्तों। अपने ओवरहेड्स कम कर रही है कंपनी, और देख सकते हैं ये कंपनी डेबिट फ्री है दोस्तों अभी। और नेट प्रॉफिट के मामले में ये कंपनी बहुत ही अप डाउन चल रही है दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हैं, इस क्वार्टर में तो इन्होंने जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन पे बंद हुए दोस्तों। और देख सकते हैं, इस कंपनी के पास रिजर्व भी पड़े हैं दोस्तों अच्छे, कंपनी तगड़े रिजर्व कर रही है दोस्तों। 1,143 करोड़ के रिजर्व अवेलेबल है अभी कंपनी के पास। और देख सकते हो, कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी बांटती है दोस्तों अच्छा खासा। और शेयर देखिए दोस्तों, अभी शेयर 1,213 रुपीज़ पे चल रहा है दोस्तों, और कल के दिन ये शेयर 7% गिर चुका है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, इसमें जबरदस्त गिरावट हो रही है दोस्तों। ईयर टिल डेट में देखोगे तो ये शेयर 32% डाउन मिल रहा है दोस्तों अभी भी। और देख सकते हैं, ये शेयर कहाँ से गिर रहा है दोस्तों, 2,389 रुपीज़ का हाई बनाया दोस्तों इसने, 52 वीक हाई बनाया 2,389, और 52 वीक लो बनाया 1,052 रुपीज़, और वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी कर ली है दोस्तों इसने। और देख सकते हो, मैक्सिमम इसका हाई और लो कंपेयर करोगे दोस्तों तो ये शेयर लगभग 50% के आसपास गिर चुका है दोस्तों। और एक साल में आपको 44% की गिरावट दिख रही है, मगर हाई से लो कंपेयर करोगे तो 50% के आसपास गिरावट है दोस्तों इस शेयर में। और मैक्सिमम देखिए, अभी तक इस शेयर ने 29% की रिटर्न दी है दोस्तों। और ये शेयर अभी अभी मार्केट में लिस्ट हुआ है दोस्तों 2020 में, और 20 के बाद इसने जबरदस्त रैली की है दोस्तों, और रैली के बाद ये जबरदस्त क्रैश भी हुआ है दोस्तों अभी। तो इस क्रैश का फायदा उठाइए दोस्तों और इसमें इन्वेस्ट कीजिए, ये शेयर जरूर कम बैक करेगा दोस्तों। और ये शेयर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।